ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। कि ज्यादातर क्या होता है, लोग एक दूसरे के ख्याति को देखकर, दूसरे के उच्च पद को देखकर जलने लगते हैं और फलस्वरूप या तो ऐसे व्यक्ति जो ऊपर उठ रहा है उसकी शक्ति को बांध देते हैं, या फिर किसी का व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा है तो उसके व्यापार को बांध देते हैं, या फिर कोई व्यक्ति अच्छे तरीके से तरक्की कर रहा है तो उसके घर परिवार में टोना टोटका कर देते हैं। तो कुल मिलाकर आपकी शक्तियां बंधी भी हो, आपका व्यापार बंधा हुआ हो, आपका कारोबार बिजनेस कोई भी बांध दिया गया हो, या फिर आपके घर में किसी तरह का कोई टोना टोटका कर दिया गया हो, तो आप इस प्रयोग को कर लीजिए। आपकी जो समस्या 100% तुरंत समाधान हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रयोग मैं बता रहा हूं ये साबर मंत्र प्रयोग है। और ये प्रयोग आप सभी को पता है कि साबर मंत्र अपने आप में बड़े ही पावरफुल मंत्र होते हैं, और साबर मंत्र एक अटपटे टाइप के मंत्र होते हैं, लेकिन इनकी पावर बहुत अत्यधिक होती है। इनके द्वारा किया गया कोई भी प्रयोग असफल नहीं जा सकता। साबर मंत्र अपने आप में एक बड़े ही पावरफुल ब्रह्मास्त्र की तरह कार्य करते हैं, और ये मंत्र ज्यादा सिद्ध करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। जैसे आम मंत्रों को बहुत कई कई लाख मंत्रों को जाप कर सिद्ध करना पड़ता है, इस प्रकार साबर मंत्रों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत ही कम जाप करके साबर मंत्र तुरंत कार्य करने लग जाते हैं। तो बड़े ही पावरफुल तरीके होते हैं साबर मंत्रों के। तो यदि आपकी किसी ने शक्तियां बांध दी है, या आपकी शक्ति खुलकर नहीं आ रही है, कोई रास्ता नहीं दे रही, आपके शरीर पर कोई शक्ति आती है लेकिन वो आपको अस्पष्ट रूप से रास्ता नहीं दे रही है, या फिर आपके किसी व्यापार, किसी दुकान, या आपका घर परिवार, या आपका कई बार लोगों की बुद्धि भी बांध देते हैं, कई बार लोगों के पूरा शरीर ही वैसा बांध देते हैं कि दिमाग ही काम नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में, या फिर किसी लड़की ने किसी लड़के ऊपर कोई क्रिया कर दी हो, ऐसी क्रिया कि वो लड़का उस लड़की के अधीन होकर रहे, या लड़के ने लड़की के ऊपर कर दी कि वह लड़की उसके अधीन होकर रहे, तो ऐसे में वंशीकरण करके दूसरे के माइंड को बांध दिया जाता है। ऐसी कोई समस्या आ रही हो, या फिर ऐसी कोई समस्या आ रही हो कि आपके घर में कोई भूत प्रेत जिन जिन्नात आदि तंत्र क्रिया कर दी हो, तो ऐसी स्थिति में आप इस एक प्रयोग के द्वारा आप अपनी भी और दूसरे की भी समस्या समाधान कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको किसी भी भक्त के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर बैठे इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य यही कि आप ऐसे भक्तों के पास जो लूटते हैं, ऐसे भक्तों के पास ना जाएं और अपने प्राचीन इन मंत्रों का प्रयोग कर अपने आप ही अपनी समस्याओं का समाधान कर ले। तो आइए जानते कि किस तरीके से आप इस उपाय को कर सकते हैं। एक मैं निवेदन आपसे करूंगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। कारण क्या है, मैं इसके पीछे रीजन बता दे रहा हूं, क्योंकि इस चैनल के द्वारा जो अर्निंग होती है उससे मंदिर का कार्य किया जाता है। मंदिर का युग मंदिर बहुत बड़ा है उधर तक, तो इसका जो खर्च होता है वो इस चैनल के माध्यम से ही चलता है। इस चैनल से जो अर्निंग होती है वो इस मंदिर के कार्य में लगाई जाती है या अन्य धार्मिक कार्यों में लगाई जाती है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल की जितनी वीडियो होती है सभी को वीडियो को देखा करें, ताकि इस चैनल की अर्निंग बढ़े। अर्निंग बढ़ेगी तो इस मंदिर के कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा। हमारा काम, ईश्वर ने हमें पर्याप्त मात्रा में हमें बिजनेस दिया हुआ, अपना कार्य दिया हुआ, पर्याप्त मात्रा में हम अपना गुजारा अच्छे तरीके से कर लेते हैं, लेकिन इस चैनल के माध्यम से हम लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, साथ ही जोड़ने होते हैं वो मंदिर के कार्य में लगाई जाती है। तो आइए आते हैं मेन टॉपिक पर कि किस तरीके से आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मैं एक मंत्र आपको बताऊंगा, उस मंत्र को आपको किस तरीके से कैसे जागृत करना है आइए जानते हैं। देखो, इसके लिए आपको किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के दिन, किसी भी शुक्ल पक्ष कोई सा भी दिन आप ले लीजिए, वैसे तो उत्तम रविवार का दिन होता है, रविवार के दिन आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष रविवार के दिन, या फिर रविवार नहीं मतलब तो किसी भी शुभ दिन में आप, शुक्ल पक्ष किसी भी शुभ दिन में आप अपने घर पर पूजा स्थान पर आप नहा धोकर फ्रेश होकर साफ स्वच्छ होकर सुबह के समय या शाम के समय जिस समय आपको समय लग रहा है आप एक मंत्र बताओ। उस मंत्र का आपको सिर्फ और सिर्फ 108 दामों की रुद्राक्षी माला से, रुद्राक्षी माला पे एक किया जाएगा, इसके अलावा कोई और अन्य माला नहीं चलेगी, केवल रुद्राक्षी माला आप ले लीजिए। रुद्राक्षी माला पर आपने इस मंत्र को आपने पाठ करना है सिर्फ और सिर्फ 108 बार, यानी कि एक माला जाप आपको इस मंत्र की, सिर्फ एक माला जाप करनी है। इस तरीके से आपका ये जाप कंटिन्यू 11 दिन तक चलता रहेगा। 11 दिन तक हर रोज आपको एक माला जाप करनी है। अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बता दे रहा हूं, यदि आपको एक दिन में सिद्ध करना है, एक ही घंटे में सिद्ध करना है, तो उसके लिए भी एक तरीका बता दे रहा हूं, एक घंटे में आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके लिए करना क्या है कि आपको होली दिवाली की रात्रि में या फिर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आदि में आपको बैठकर सिर्फ और सिर्फ 11 माला जाप एक बार में ही बैठकर आप जाप कर सकते हैं, तो भी आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जब आपके 11 दिन पूरे हो जाए या होली दिवाली में एक घंटा जाप कर, यानी कि 11 माला आपको जाप कर सिद्ध करना है, तो उस तरीके से कर ले। कुल मिलाकर जब आपकी 11 माला पूरी हो जाए तब उसके बाद में आपने 108 बार आपको हवन करना है। हवन करना अति आवश्यक है, हवन के बिना ये मंत्र अधूरा रहेगा, ये बात समझ लेना। हवन आपको अवश्य करना होगा, और हवन में जो भोग लगेगा वो खीर का लगेगा।
जिस प्रकार बताऊं उस तरीके से कर लेना, खीर का भोग लगेगा, खीर का भोग लगाकर आप इस मंत्र को जागृत कर लेना, ये मंत्र आपका जागृत हो जाएगा। प्लस जो माला, जिस माला से आपने जाप किया है वह माला आप अलग से आप ले लेना, क्योंकि वो जब माला आपको अपने आप धारण करनी होगी, ध्यान रखना वो माला आपको खुद धारण करनी है जिस माला के ऊपर आपने जाप किया है। और जो पूजा की पहनने की माला होती है उसे जाप नहीं किया जाता, लेकिन इस माला से जाप करने के बाद आप पहन सकते हैं, उसके बाद आप इससे जाप करें ना करें वो आपके ऊपर डिपेंड है, बाद में जाप करें ना करें, लेकिन 11 माला जाप कर उस माला को आपको धारण कर लेना है। वैसे भी रुद्राक्ष सभी भक्तों को धारण करना चाहिए, रुद्राक्ष बड़ी पावरफुल चीज होती है, इससे निगेटिविटी ऑटोमेटिक अपने पास नहीं आती और इससे मन में शांति का माहौल बना रहता है और निगेटिविटी या इस तरह की अन्य कोई निगेटिव एनर्जी शरीर के पास भटकती भी नहीं आकर, और इससे शरीर में रक्त का संचार भी ठीक रहता है। रुद्राक्ष प्रत्येक साधक को अवश्य धारण करना चाहिए। तो पंचमुखी रुद्राक्ष आप माला लेकर उसको आप 11 माला जाप कर उसके बाद उसे आप धारण कर ले सकते हैं, तो माला भी सिद्ध हो जाएगी और प्लस आपका कार्य भी हो जाएगा। अब प्रयोग किस तरीके से करना है ये आप जान लीजिए, यदि आप अपने के लिए कर रहे हैं तो भी, दूसरे के लिए कर रहे हैं तो भी, जब यदि आपका बिजनेस बना हुआ है या आपके घर में तंत्र मंत्र क्रिया कर दी गई है या किसी बहन बेटी के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रिया यानी वंशीकरण आदि का प्रयोग कर दिया गया है, तो आपको किस तरीके से करना, आपने जल ले लेना है, जल गंगा जल यदि आपको मिल जाता तो उत्तम है, तो जल सादा जल ले लीजिए, उसके ऊपर आपने 21 बार मंत्र पढ़ना फूंक मारना, मंत्र पढ़ना फूंक मारना, उस जल को अभिमंत्रित कर लेना है और इच्छित व्यक्ति को देना, जिस व्यक्ति के दुकान बिजनेस घर परिवार में टोनर रोड का कर दिया तो वो अपने घर में या अपने दुकान में सभी उसको छिड़केगा। इस तरीके से उसको 3 दिन लगातार करना है, 3 दिन जब वो झड़के छिड़केगा, एक ही बार पढ़कर दे दीजिए, 3 दिन तक उसको लगातार छिड़कना, 3 दिन छिड़कने से ही उसके व्यापार पूर्ण रूप से खुल जाएगा और साथ ही उसके जो घर परिवार में निगेटिव होगी वो तत्काल शांत हो जाएगी। दूसरा, किसी व्यक्ति के ऊपर किसी ने वंशीकरण या टोनर रोड का कर दिया है तो वह जल थोड़ा सा उसको पीने के लिए दे दीजिए और थोड़ा सा उसके ऊपर छिड़क दीजिए, पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग कैसे करना है, दूसरा प्रयोग आप खुद कर रहे हैं तो भी, दूसरे के लिए कर रहे हैं तो भी, आपको कुछ लोंग आपको ले लेनी है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से आप लोंग ले लीजिए, लोंग आप ले लीजिए 3, 2, 6 लोंग आप ले लीजिए, 6 लोंग आपको पढ़कर दे देनी है इसी मंत्र से 21 बार अभिमंत्रित करके लोंग दे दीजिए। लोंग को कब, 2 लोंग को सुबह, 2 लोंग को शाम, 2 लोंग सुबह, 2 लोंग शाम, आपने अपनी दुकान पर दुकान के अंदर घुमाकर कपूर जलाकर उसके ऊपर 2 लोंग आपने जला देनी है, दो सुबह दो शाम 3 दिन जलानी है, 6 लोंग में आपके जो तंत्र क्रिया जल छिड़कना है, उसके बाद लोंग जलानी है, इस तरीके से आपके दुकान का तंत्र बिंद तुरंत कट जाएगा, बिल्कुल बिजनेस खुल जाएगा। इसी तरीके से घर में कोई तंत्र क्रिया किया तो जल छिड़े फिर 2 लोंग जलाए, 3 दिन की क्रिया है, तुरंत तत्काल आपके घर में शांति हो जाएगी। किसी के ऊपर वंशीकरण या भूत प्रेत जिंजाना आदि का तंत्र मंत्र कर दिया गया है तो मंत्र पढ़कर आपने उसको जल दिया, उसके ऊपर छिड़का, उसने पिया, प्लस उसके सर के ऊपर से 7 बार उतार कर उसके सामने ही कपूर के ऊपर लोंग जला दीजिए, तो उसके ऊपर तंत्र मंत्र क्रिया जो भी कर दी गई हो वो तत्काल भस्म हो जाएगी। अब बात आती है शक्तियों को, शक्तियों को किस तरीके से खोला जाएगा, हर चीज का अलग अलग विधान है, तो शक्ति के खोलने के लिए आपको जाना पड़ेगा चलते हुए दरिया के ऊपर, चलती हुई नदी तालाब इत्यादि जो चलता हुआ हो, नदी हो या कोई झरोका हो, तो इस तरह का कोई भी चीज जो चलता हुआ पानी हो उस पर आपको जाना है, खासकर नदी बढ़िया जो पूजनीय नदी हो तो ऐसी मिल जाए तो अति उत्तम है। वहां पर जाकर आपने क्या करना है, आपने एक जो हलवे वाले दोने होते हैं उधर रखे हुए, हलवे वाले दोने जो हलवा देते हैं ऐसा दोना आपको ले लेना, उसके अंदर एक पान डंडी वाला 2 लोंग 5 पतासे ये आपने लेना है और अपने माथे से लगाकर इस मंत्र को पढ़कर आपने 3 बार मंत्र पढ़ना है, सर के ऊपर से घुमाना है, 3 बार मंत्र पढ़ना सर के ऊपर से घुमाना है, चलते हुए दरिया में आपको दे देनी है हाजिरी। इस प्रकार आपने 3 दिन हर रोज 3 दिन लगातार एक 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 हाजिरी 3 दिन लगातार देनी है। और यदि आप भगत है, आप किसी, क्योंकि मेरे बहुत सारे भक्त भी ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं, बहुत सारे भक्त हैं जो वीडियो को देख देख कर इन उपाय को करते हैं या दूसरों को बताते हैं, तो उनके लिए भी मैं बता दे रहा हूं कि यदि आप भक्त हैं तो आप अपने सामने अपने आप मंत्र पढ़कर 1 दिन में भी क्रिया करा सकते हैं। 3 हाजिरी 1 दिन में आप दिलवा दीजिए, 1 दिन साधक को बैठाए, उसके सर के ऊपर से उतारे, 3 हाजिरी 1 बार में दिलवा दें और उसके बाद में वहीं पर जो जल, जिस जल में आपने हाजिरी दी है उस जल से थोड़ा सा जल लेकर उस साधक के ऊपर छिड़क दे, उसकी तत्काल उसकी शक्तियां खुल जाएंगी। या फिर आप खुद यदि प्रयोग करें तो खुद आप 3 दिन तक हर रोज आप हाजिरी देखा अपने माथे से लगाएंगे, सर के ऊपर से घुमाएंगे, हाजिरी देंगे, क्लॉक वाइज आपको जैसे उल्टे घुमाते हैं ऐसे आपको क्लॉक वाइज आपको घुमाना है और आपने हाजिरी दे देनी है, थोड़ा सा जल के हाथ लगाना, छींटे दें अपने शरीर के ऊपर देने इसी मंत्र को पढ़ते हुए, तो इस तरीके से आपकी शक्तियां भी खुल जाएंगे। ये पावरफुल तरीका है, इस तरीके से आप करके देखें, आपकी कैसी भी शक्तियां बंधन में हो, आपका कैसा भी व्यापार बंधन में हो, आपके ऊपर तंत्र मंत्र क्रिया कर दी गई हो, आपके ऊपर वंशीकरण कर दिया हो, घर में टोना टोटका कर दिया गया हो, सभी इस प्रयोग से तत्काल खत्म हो जाएगा। तो आइए मंत्र जानते हैं, मंत्र है
ओम नमो आदेश गुरु को। ओम गुरु जी, अल खोलू, बल खोलू, जल खोलू, थल खोलू, धरती आकाश खोलू, लगा लगवाया खोलू, भेजे भिजवाया खोलू, खिलाया पिलाया खोलू, बंदे कुल के देवी देवता पितर खोलू, इष्ट देवी देवता खोलू, बंधु बंदी भी लक्ष्मी खोलू, बंदी भी लक्ष्मी के द्वार खोलू, घर व्यापार कारोबार का बंधन खोलू, बुद्धि विद्या खोलू, मन मस्ती विचारों का बंधन खोलू, रोम रोम में खोलू, 72,000 नाड़ी खोलू, 8 कोट खोलू, रेशम का धागा लोहे की साखली, प्रेम शपथ आन दुहाई शब्दों का प्रबंधन खोलू, अमुक के काम काया पिंड प्राण के बंधे बंधवाए बंधन खोलू, जो इतना न खुले तो मच्छिंद्र लाजे, मेरे खोले न खुले तो गोरखनाथ लाजे, शब्द साचा पिंड काचा पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। तो ये मंत्र है, इस मंत्र में जिस समय आपको प्रयोग करना है उस समय आपने अमुक स्थान आया है मंत्र के बीच में उस अमुक स्थान में आपने उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसके लिए आप प्रयोग कर रहे हैं। जिस व्यक्ति के, मान लिया आप राजू की शक्तियों को खोले तो मंत्र के बीच में आपको राजू बोलना है, या आप राजू की दुकान खोलना चाहते हैं तो राजू का नाम बीच में लेना है, या आप दिनेश की दुकान खोले तो दिनेश का बीच में नाम लेना है, या फिर किसी घर परिवार में किसी ने टोटका कर दिया तो उसका नाम आपको बीच में लेना है, किसी ने लक्ष्मी बनवा दिया, धन घर में आगमन होना बंद हो चुका है, धन आता ही नहीं घर में, तो इस तरह की किस तरह की कोई भी समस्या हो इस एक मंत्र के द्वारा आप अपनी जटिल समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बड़ा ही पावरफुल तरीका है, बड़ा ही पावरफुल तरीका, एक बार अवश्य करके देखे, तुरंत समाधान होगा, 101% समाधान होगा, आप अवश्य करके देखे। सभी भक्तों को जय श्री राम।